हाय गाइस, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप इजीली फर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। जो एनिमल फर होती है या किसी भी तरह की आपको फर ड्रॉ करनी हो, वो कैसे इजीली कर सकते हैं, वो भी कलर पेंसिल से। मैंने एक पिक्चर स्टार्ट की हुई है जिसे मैं आज ड्रॉ कर रहा हूँ। थोड़ी सी मैंने ड्रॉ कर दी है, उसमें थोड़ा सा पार्ट मैं आपको यहाँ पर करके दिखाऊँगा आप कैसे फर ड्रॉ कर सकते हैं। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये पिक है जो मैं आज ड्रॉ कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं मैंने इतनी ड्रॉ कर रही है, मैं अभी भी मतलब थोड़ा सा आपको करके बताऊंगा कि आप फर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। बीच में ब्लैक स्पॉट्स है, वो कैसे ड्रॉ करने हैं आपको, कौन कौन सी आपको यहाँ पे पेंसिल यूज़ करनी है इसको ड्रॉ करने की। तो आप यहाँ पे रेफरेंस पिक्चर देख सकते हैं, आउटलाइन मैंने पहले ही ड्रॉ करके रखी हुई है। हम सेम एज़ इट इज़ ड्रॉ करने वाले हैं। यहाँ पर थोड़ी सी ड्रॉ कर भी ली और मुझे बताना कि आपको ये कैसी लग रही है। ओनली 3 शेड्स हमें यहाँ पर चाहिए इसको ड्रॉ करने के लिए। फर्स्ट इज़ क्रीम कलर, सैंड कलर एंड ब्लैक कलर, वो ब्लैक स्पॉट्स के लिए हमें यूज़ करना है। बाकी जो कलर है फर के लिए तो यही कलर है, और बाकी माउथ के लिए अलग है जब हम बाद में बनाएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे आप रेफरेंस पिक्चर की तरफ देख सकते हैं, जो हम इस वाले पार्ट को कवर करेंगे, ओनली दिस पार्ट। या थोड़ा सा जो आपको यहाँ पर पिक्चर में दिख रहा है, बस इतना इतना पार्ट मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि इस तरह से ड्रॉ करना है। बाकी तो सेम ही वैसे ही सीक्वेंस में आपको जाना है, वैसे ही जो डायरेक्शन यहाँ पे आपको दिख रही है वैसे ही आपको वहाँ चलना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ क्रीम कलर। हम क्रीम कलर को पहले अच्छे से फिल करेंगे ब्लैक स्पॉट्स को छोड़ के। और बिगिनर्स के लिए बहुत इजी है ये ड्रॉ करना। आपको सिर्फ 3 शेड्स पेंसिल चाहिए। एक्चुअली लैपर्ड में यही 3 कलर ही होते हैं। और मैं यहाँ पर क्रीम पेंसिल को तो बहुत फास्टली यूज़ कर रहा हूँ। आप जैसे मर्जी कोई कैसे भी लेयर लगा सकते हैं क्रीम के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पर कोई भी डायरेक्शन शेप नहीं देनी है। मेन डायरेक्शन शेप हमें देनी है ब्लैक स्पॉट्स के लिए, वो उससे ही सारी फर की लुक बाहर आने वाली है। जो रियलिस्टिक बन आपको दिख रहा है वो सिर्फ ब्लैक स्पॉट्स से ही आएगा, जो हम ब्लैक पेंसिल का यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर साथ में मैं सैंड पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ थोड़ी डार्कनेस के लिए। सो अब हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं ब्लैक पेंसिल ब्लैक स्पॉट्स के लिए। सो रेफरेंस पिक्चर में देख सकते हैं जो जिस तरह से डायरेक्शन जा रही है, राइट डाउन साइड जो डायरेक्शन जा रही है, या आप ऊपर की तरफ लेके जा सकते हैं, डायरेक्शन को नीचे की तरफ से भी लेके जा सकते हैं, जिस तरह से आपको ईजी लगता है, जैसे आप कम्फर्टेबल हो। तो गाइज़, आपको ब्लैक स्पॉट्स ड्रॉ करने के लिए ज़्यादा जल्दी में नहीं पेंसिल को यूज़ करना है। अगर आप देख सकते हैं जैसे रेफरेंस पेज में आपको जहाँ जहाँ ब्लैक लग रहा है, आप वहाँ पे सीधा पेंसिल को यूज़ मत करें। फास्ट आपको आराम से ही पेंसिल को यूज़ करना है, तो ही ऐसी रियलिस्टिक जैसी लुक आएगी। राइट, तो बहुत टाइम बाद मैं एक्चुअली फ़र बना रहा हूँ। मुझे लगता है मैंने पहले कभी फ़र बनाई भी नहीं है, और ग्रेफाइट से तो वैसे भी मुझे लगता है नहीं। एक बार मैंने फ़र बनाई है, एक स्केच बनाया था किसी का, तो वो थोड़ी पिक एडिट थी स्नैपचैट से। तो वहाँ पे जो कान थे वो मैंने फ़र के बनाए थे। सो उसके बाद मैंने कभी फ़र नहीं बनाई, तो आज फर्स्ट टाइम मैं कलर पेंसिल से फ़र बना रहा हूँ। और वो भी जो मेरे पास पेंसिल है प्रिज्मा कलर पेंसिल है। आप इसकी जगह कोई और पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक वाटर कलर पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, या सिंपल पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, उससे भी ये लुक आएगी। क्योंकि हम यहाँ पर किसी चीज़ को ब्लेंड नहीं कर रहे हैं, और प्रिज्मा कलर या जो पॉलीग्रोम पेंसिल, ये वैक्स मेड है, ये मेनली ब्लेंडिंग के लिए होती हैं। इसमें बहुत अच्छे और स्मूथली ब्लेंडिंग हो जाती है। सो गाइस, यहाँ पर जो 10 मिनट्स की वीडियो रहेगी वो रियल टाइम वीडियो रहेगी, ताकि आप अच्छे से देख सकते हैं कि मैं किस तरह से यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। और गाइस, जो यहाँ पे आप स्किन पार्ट देख रहे हो जो मैंने क्रीम कलर और सैंड कलर से बनाया है, यहाँ पर भी आपको हल्के हल्के स्ट्रोक लगाने हैं, जैसे कि ये फर टाइप लगे, जैसे मैंने पहले वीडियो में यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, क्योंकि हमने पहले सीधा शेडिंग कर दी थी।
थिकनेस के लिए और जो ब्लैक स्पॉट्स हैं उसको स्किन के साथ मर्ज करने के लिए। यहाँ पे थोड़ी सी हम यहाँ पे ब्लेंडिंग कर रहे हैं ताकि जो स्किन है वो ब्लैक स्पॉट्स के साथ अच्छे से मर्ज हो जाए, अलग ना दिखे। अभी तक आप यहाँ पे जितना भी स्केच बना देख रहे हैं, ये ड्राइंग बनी देख रहे हैं, अगर मैं रियल टाइम की बात करूँ तो इस पर मुझे 2 घंटे इसको बनाने में लगे हैं। सो गाइस आप मुझे कमेंट पे जरूर बताना कि आपको कैसा लगा। अगर थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।